हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी ज्ञान। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला यूट्यूबर के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने चैनल को सर्च बॉक्स में कैसे लाएं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, मैं अभी अपने चैनल को सर्च करके आपको लाइव दिखा देता हूँ कि अपने चैनल को आप सर्च बॉक्स में कैसे ला सकते हैं। तो मैं अपने चैनल को सर्च कर लेता हूँ, मेरा चैनल है टेक्निकल हिंदी ज्ञान। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये चैनल है टेक्निकल हिंदी ज्ञान। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने चैनल को सर्च बॉक्स में ला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अपने फ़ोन में गूगल ओपन में कर लिया हूँ, क्रोम में अभी ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, सिंपली हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली डेस्कटॉप टाइप पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन में गूगल किसी प्रकार ओपन हो जाएगा। तो इसे हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद हमारे सामने कुछ प्रकार ओपन हो जाएगा। इसमें अब हमें सर्च करना है youtube.com। जैसा कि मैंने YouTube सर्च कर लिया है, YouTube सर्च कर लेने के बाद हमारे सामने कुछ प्रकार ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट पे आपको YouTube लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सिंपली हमें YouTube पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे भी हमें Chrome में ही ओपन करना है। तो हमारा जो कुछ प्रकार ओपन हो गया है, तो आपको यहाँ पे नीचे आपका आइकन दिखाई दे रहा है, चैनल का आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो यहाँ से ओपन कर लेंगे हम। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी जो सेटिंग ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे जनरल सेटिंग पे है, चैनल सेटिंग है, तो सिंपली हमें चैनल सेटिंग पे चलना है। चैनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारा चैनल का नाम लिखा रहेगा। जैसे मेरे सेकंड चैनल ऑफिशियल SP143, तो उस प्रकार आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपनी कंट्री आप चूज कर लीजिएगा। चूज करने पे यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है कीवर्ड का ऑप्शन। तो कीवर्ड में जैसा आप देख सकते हैं, मैं अपने चैनल का नाम करीब 8 से 10 तरीके से लिखा हूँ। आपको अपने चैनल का नाम उसी 8 से 10 तरीके से लिखना है, जैसे मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। अपने चैनल का नाम 8-10 तरीके से, आप और किस कैटेगरी से आपका चैनल है, उस चैनल का आपने लिखना होगा इसमें कीवर्ड में। जैसे मैं अपने टेक्निकल हिंदी ज्ञान है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा टेक्निकल हिंदी ज्ञान, टेक्निकल हिंदी ज्ञान लिखने के बाद यहाँ से गो कर देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे टेक्निकल ज्ञान हिंदी, टेक्निकल ज्ञान हिंदी लिखने के बाद भी इसे मतलब गौर कर देंगे, वहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने चैनल को 10 से 15 तरीके से लिख सकते हैं। और आपका चैनल किस कैटेगरी से, सॉन्ग या टेक्निकल ब्लॉगर्स, इस तरीके से उसमें लिखने के बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। करने के बाद हमारे तरीके जो यहाँ पर लिखा चुका है, तो होने के बाद सिंपली से हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा ये सेव हो चुका है। तो इस तरीके से चैनल को अपना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।